हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और यह थर्ड पार्ट है, ध्यान रखना। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। सो यह सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और स्पेशली आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें Grade 3 और Grade 4 का पोस्ट है। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31। रुद्र सिंह फर्स्ट बिल्ट रंगर, ध्यान रखना, विथ बेम्बो एंड वुड। रुद्र सिंह जी ने पहले बिल्ड किया था रंगर बेम्बो और वुड के साथ। इट वॉज रीबिल्ट, उसके बाद उसको फिर से बनाया गया ब्रिक एंड मोर्टर। सो ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन बी प्रमत्त सिंह, ऑप्शन सी राजेश्वर सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मी सिंह। सो किन्होंने बनाया ये? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रमत्त सिंह, ध्यान रखना। सो पहला क्वेश्चन आया अगर रंगर किसने बनाया, सो इसका राइट आंसर होगा रुद्र सिंह, और उसके बाद उसको रिबिल्ट किसने किया ब्रिक और मोर्टर के साथ, सो इसका राइट आंसर होगा प्रमत्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, यानी आज का सेकेंड क्वेश्चन, द बैटल ऑफ महरगढ़ वॉज फॉट बिटवीन। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए चंद्रकांता सिंह एंड द बार्मीज, ऑप्शन बी द बार्मीज एंड द ब्रिटिश, ऑप्शन सी द बार्मीज एंड द रुचिनाथ बड़गुआई, ऑप्शन डी द बार्मीज एंड द पुरंदर सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रकांता सिंह एंड द बार्मीज। क्वेश्चन नंबर 3, यानी 33, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द आसाम छात्र सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसाम छात्र सम्मेलन का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए रोहिणीकांतो हाथीबरुआ, ऑप्शन बी कमालुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर शर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। क्वेश्चन नंबर 34, यानी आज का फोर्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ आसाम, व्हिच इज द बुक। ऑप्शन ए द महाभारत, ऑप्शन बी द हर्षचरित्र, ऑप्शन सी द कालिका पुराण, ऑप्शन डी द अर्थशास्त्र। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द कालिका पुराण। क्वेश्चन नंबर 35, यानी आज का 5 नंबर क्वेश्चन, द अर्लिएस्ट किंग ऑफ आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया। ऑप्शन ए महिरंगा दानव, ऑप्शन बी नरकासुर, ऑप्शन सी भास्कर वर्मन, ऑप्शन डी नरनारायण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महिरंगा दानव। इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा गलत दिया गया बट इसका सही स्पेलिंग है, या ऐसा भी हो सकता है तो आप लोग ये आंसर दे देना, महिरंगा दानव, यह दानव डायनेस्टी के थे। क्वेश्चन नंबर 36, इन द बैटल ऑफ सरायगढ़ द नेक्स्ट लचित बरफुकन वाज इन द लीडरशिप ऑफ, ऑप्शन ए राजमंत्री अटन बड़गुआई डांगोरिया, ऑप्शन बी कालिया बोमरा बरफुकन, ऑप्शन सी मिरी सांदिलोई, ऑप्शन डी मंत्री बराली बरुआ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजमंत्री अटन बड़गुहाई डांगोरिया। क्वेश्चन नंबर 37, द चीफ कमिश्नरशिप वॉज इंट्रोड्यूस इन आसाम। ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1876। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1874। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच वन द सेशन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बरदोली चिला इन आसाम। ऑप्शन ए प्री मानसून सीजन, ऑप्शन बी मानसून सीजन, ऑप्शन सी रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ऑप्शन डी विंटर सीजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्री मानसून सीजन। क्वेश्चन नंबर 39, द इंटर स्टेट बाउंड्री बिटवीन द आसाम एंड त्रिपुरा इज मार्क बाई द रिवर कॉल्ड। ऑप्शन ए जो इंटर स्टेट बाउंड्री है आसाम और त्रिपुरा का, वो कौन से रिवर से मार्क किया गया? ऑप्शन ए धलेश्वरी, ऑप्शन बी लोंगाई, ऑप्शन सी कुशियारा या कुशियारा, ऑप्शन डी सुनाई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोंगाई। क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सिंहासन पीक द हाइएस्ट प्लान ऑफ आसाम इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए नीलाचल हिल, ऑप्शन बी बोराइल रेंज, ऑप्शन सी अगियातुरी हिल, ऑप्शन डी रेंगमा हिल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोराइल रेंज। सो ये हाईएस्ट प्लान नहीं है, हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना।
ब्रॉयल रेंज पे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।